हेलो फ्रेंड, ईशु सहाय मेरे नए वीडियो में आप सबों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिलसरेंग झारखंड में फरवरी 1 को हुए ऐतिहासिक ख्रिस्टियन डेरा महोत्सव का वीडियो दिखाने वाला हूं, जो कि वहां पर बहुत भारी संख्या में भीड़ थी। तो उड़ीसा से बहुत लोग हम लोग गए थे और छत्तीसगढ़ से भी आए थे। ऐसे देखा जाए तो सभी प्रांतों से लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर। तो मैं वहाँ का वीडियो आप सबों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर नागड़ा बाजा और रबका बाजा लाए हैं बेचने के लिए। तो सुमान भाई वो टेस्ट कर रहा है बाजा को। कितना नागड़ा? ढोलकी 4,500 फुटिंग क्या हम लोग पैदल जा रहे हैं। जहाँ पर गाड़ी खड़ा किए हैं वहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर होगा, जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। हम लोगों के आगे में जितने लोग हैं, पीछे भी उतने ही लोग हैं। सुबह बारिश होने के कारण पूरा कीचड़ हो गया है रास्ता, और इसी कीचड़ रास्ते से ही जाना पड़ रहा है। और अब लोग देख सकते हैं लोग कैसे जा रहे हैं। हम लोग लेट हो गए हैं, प्रोसेशन शुरू हो चुका है। जहां पर प्रोग्राम हो रहा है वहां पर हम लोग और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उस जगह पर हम लोग पहुंच चुके हैं। वो एक नाला है, नदी है, वो नदी में ही वो प्रोग्राम हो रहा है। मेहमानों को स्वागत कर रहे हैं अभी। वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जब यहाँ की जमीन पर सुसमाचार जग पकड़ा, आदिवासियों का मन तैयार हुआ। आज उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब सताहट भी आरंभ हो गया। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये हमारे मात्र मिट्टी, कंकड़, पत्थरों, जंगल और कलक करती नदी झरना ही नहीं है, अपितु हमारे मसीह विश्वास के लिए संकट कालीन परिस्थिति में
शरण देने का एक पवित्र स्थान है। यह वह स्थान है जिसे हम एक धार्मिक आस्था के रूप में इसके महत्व को समझ सकते हैं। यहाँ इसराइलियों के लाल समुद्र को अद्भुत रीति से पार करने के सदृश घटना घटी थी। इसका जीवन प्रमाण यहाँ पर स्थापित पत्थरों के तीन वेदी हैं। दो अभी वर्तमान है जिसे हमने नया रूप देने का प्रयास किया है। एक वेदी अभी इसी नदी पर नीचे बने लतरत डैम में समा गया।
Yeah.